नमस्कार और आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर। और आज अपने वेस्टी वेस्टी चैनल पे हम लोग बात करेंगे अपने गार्डन के इस तरह के कचरे की। जी हाँ, ये हमारे गार्डन का कचरा है, हमारे गार्डन की सूखी हुई सी पत्तियाँ। हम सब इन पत्तियों के बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं और इन पत्तियों को अपने पौधों के लिए बना सकते हैं एक बहुत ही खरा सोना। और इस कचरे को सोना बनाने में आपको बहुत सारे एफर्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजली आप इसको सोने में तब्दील कर सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा पेशेंस। तो आइए मेरे साथ जानिए कि इनको कितनी आसानी से हम लोग अपने इस कचरे को बदल सकते हैं सोने में। और बस उसके लिए आपको इस तरह से अपनी पत्तियों को इकट्ठा करके रखते जाना है और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इनको कैसे यूज करें। बट उससे पहले जो लोग नए हैं तो वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इसका बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे कि मेरे अपडेटेड वीडियोज़ आप तक पहुंचते रहें। और अब देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे यूज करें। और ये देखिए, मैंने काफ़ी सारी अपनी सूखी हुई सी पत्तियाँ इकट्ठा करके रखी हुई हैं। मेरी बालकनी पर बहुत सारे पत्ते झड़ते रहते हैं और इनको मैं पिछले एक महीने से भी ऊपर हो गया, इनको मैं एक एक करके इकट्ठा करके रख रही थी। कुछ मेरे नीचे भी ग्राउंड फ्लोर पे भी पड़ी हुई थी, वहाँ से भी मैं लेके आई थी इनको। और अभी मेरे पास बहुत सारी हो गई हैं, क्योंकि इसको एक बार में ही सारा बना के रख देंगे, क्योंकि इनको बनने में काफ़ी वक्त लगता है, तो ज़रूरत होती है कि उनको एक बार ही सारा का सारा हम लोग पैक करके रख दें, जिससे कि बार बार हमें झंझट ना करना पड़े। और इसीलिए मैंने ढेर सारी इकट्ठा की है। ये देखिए, कुछ कचरा भी है, कुछ सूखा सा कचरा जो गार्डन से निकलता रहता है, तो जो गमलों के हमारे आसपास का कचरा होता है वो मैं नहीं फेंकती हूँ, वो सूखा सा होता है, वो मैं इसी तरह से अपना इकट्ठा करके रखती हूँ, वो भी मैं इसी में मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि साथ साथ ये भी हमारा बहुत अच्छी सी कंपोस्ट में तब्दील हो जाएगा। और इसमें से जो भी हमारा प्लास्टिक वगैरह जो भी है वो हम लोग निकाल देंगे, बस पत्ते वत्ते जो भी हैं तो वो सारा हम इसी में छोड़ देंगे। और इसके साथ साथ अभी थोड़ी मेरे पास और भी पत्तियाँ पड़ी हुई हैं, वो भी मैं इसी में डाल देती हूँ। कुछ आप लोग जो पूजा के फूल वगैरह भी यूज करते रहते हैं, तो ये देखिए, जो भी आप मंदिर में आप अपनी पूजा में जो फूल यूज करते हैं, सूखने के बाद इसी तरह से इसमें पत्तियों में साथ ही डाल दें, तो ये भी बहुत अच्छे से हमारी कंपोस्ट में बदल जाएंगे। तो ये कुछ और मैंने इसमें मिक्स कर दी है। अब मेरे पास ढेर सारी पत्तियाँ इकट्ठी हो गई हैं और इन सब पत्तियों को हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इनको रखते हैं अपनी कंपोस्ट बनाने के लिए। आप अगर कर सकें थोड़ा सा इनको हाथ से थोड़ा सा मसल भी देंगे, जिससे कि अगर पत्तियाँ थोड़ी थोड़ी सी टूट जाएंगी तो इनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा डिकम्पोज होने में, हम इनकी थोड़ी सी मदद कर देंगे। बट अगर आप ऐसे भी रखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब इनको जल्दी से डिकम्पोज करने के लिए ये मैंने लिया हुआ है कुछ, ये छाछ है मेरा मट्ठा, इसको मैंने एक लीटर छाछ को एक लीटर पानी में ही मिक्स करके धूप में रखा हुआ है, और ये दो दिन से मेरा धूप में पड़ा हुआ था, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा खट्टा हो जाए और मैं इसको यूज कर सकूँ। तो आप भी कुछ इसी तरह से छाछ को या दही को पानी में मिक्स करके, खट्टा अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और इन पत्तियों में मैं थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर दूँगी ये सारा। अगर आप नहीं भी डालते हैं, आप सिंपली इसमें पानी भी यूज कर सकते हैं, बट अगर इसको यूज करेंगे तो थोड़ा सा जो हमारा डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया है वो थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी, तो हमारे लिए ठीक होगा, थोड़ा सा इसमें वक्त कम लगेगा, तो इसलिए मैं यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो यूज करें, अगर नहीं चाहते हैं तो आप सिंपल पानी ही यूज कर सकते हैं। और ये थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें सारा मिक्स कर दूँगी। इसकी जगह आप पनीर बनाते हैं उसका जो बचा पानी है, आप अगर खाने में नहीं यूज करते हैं तो वो आप अपना इसमें यूज कर सकते हैं। आपका कई बार दूध फट जाता है और कई बार हमारे यहाँ दही भी ख़राब होने लगता है, काफ़ी खट्टा सा हो जाता है, वो सारा का सारा आइटम आप इसमें बड़े आराम से यूज कर सकते हैं। तो देखिए, ये सारा मैंने इसमें डाल दिया और ये पत्तियाँ काफ़ी हद तक ये नम हो गई हैं, इनको मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, जिससे कि ये हमारी जो नमी मैंने दी हुई है इस छाछ से वो सारी पत्तियों में हमारी बराबर मिक्स हो जाए। और बस
कुछ इसी तरह से हम लोग इसको अच्छे से मिला देंगे और उसके बाद हमें इसको भर के रखना है। तो इसको भरने के लिए ये देखिए मैंने ये प्लास्टिक की बोरी ली हुई है, मैं तो इसी में भर के रखूँगी। आप भी कुछ इसी तरह से प्लास्टिक की बोरी यूज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप कोई भी पॉलीथीन ले लीजिए, कोई कैरी बैग ले लीजिए प्लास्टिक के, उन पे आप भर सकते हैं। आप छोटे छोटे से भी बैग्स बना सकते हैं। चूँकि मेरी काफ़ी सारी पत्तियां हैं तो इसलिए मैंने ये बड़ी सी बोरी ली हुई है जिससे कि मेरा एक ही पैकेट बन जाए। और ये सारी की सारी पत्तियां मैं इसी में डाल दूँगी। मैंने लास्ट टाइम भी कुछ इसी तरह से बनाई थी और तब तक मेरा चैनल भी नहीं था तो मैंने कोई वीडियो शूट भी नहीं किया हुआ था, बट इससे बहुत अच्छी सी कंपोस्ट बन के तैयार होती है। एक बार आप इसको बना के ज़रूर ट्राई करें, आप किसी भी तरह के पौधों में इसको यूज कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी। और सबसे बड़ी बात है इसमें कोई, काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि जो किचन वेस्ट से हम लोग बनाते हैं कंपोस्ट, उसमें काफ़ी सारी गंदी सी स्मेल आती है, तो इसमें हमें कोई इस तरह की कोई गंदी स्मेल नहीं आएगी, कोई बदबू नहीं आएगी। बस एक बार आपको इतना सही करना है, बहुत छोटा सा काम है, सभी लोग इजली कर सकते हैं, तो बस एक बार करके छोड़ दीजिए और फाइनली आपको एक बहुत अच्छी सी कंपोस्ट, हमारा ब्लैक गोल्ड फर्टिलाइज़र बन के हो जाएगा तैयार। और ये सारी की सारी पत्तियाँ मैं इसमें अपनी बोरी में दबा दबा के भर देती हूँ। कुछ इसी तरह से आपको भी करना है। अगर आप पॉलीथीन ले रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का लें, क्योंकि इसको बनने में हमें काफ़ी सारा वक्त लगने वाला है तो हमारी पॉलीथीन फटे नहीं। और ये देखिए थोड़ा सा पानी मैं इसमें और ऊपर से डाल रही हूँ जिससे कि अगर कुछ पत्तियाँ सूखी रह गई हैं तो वो भी मॉइस्ट हो जाएँ। बस इसी पर्पज़ से मैं थोड़ा सा पानी इसमें और डाल रही हूँ। तो ये पूरी की पूरी मेरी पत्तियाँ बहुत अच्छे से मॉइस्ट हो गई हैं, पानी भी थोड़ा बोरी से नीचे टपकना चालू हो गया है। मैंने बांध के तैयार कर दी। अब हमें बस एक काम और करना है कि इसको हमें किसी भी छाया वाली जगह पे रख के छोड़ देना है। आप अपनी छत के किसी भी कोने पे, बालकनी के किसी कोने पे इसको रख के आप छोड़ दीजिए, जहाँ पर हमें इसमें डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, हमारी छाया रहे। क्योंकि अगर डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी तो इसमें जो हमने इसको मॉइस्चर इसको दिया है, जो नमी दी हुई है, वो जल्दी से सूख जाएगी तो पत्तियाँ हमारी डिकम्पोज नहीं हो पाएंगी जल्दी से। तो बस इसको हमें पैकेट को उठा के रख देना है छाया में और बस रख के आप भूल जाइए। और लगभग एक महीने बाद आप इसको खोल के चेक करिए, अगर पत्तियाँ सूखी लगती हैं तो इसमें आप थोड़ा सा पानी और छिड़किए, पत्तियों को थोड़ा सा और नम करिए। और उसके बाद आप 3 महीने बाद फिर से एक बार चेक करिए, फिर से थोड़ा सा नम करिए और लगभग 8 महीने बाद आप कुछ इस तरह की कंपोस्ट पा पाएंगे। बहुत अच्छी कंपोस्ट बनेगी और बस टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एक बार करना है, एक बार करके भूल जाइए। और उसके बाद 8 महीने बाद आप पैकेट खोलिए, इस तरह से आपको मिलेगी। धूप में डाल के आप इसको सुखा लीजिए, छन्ने की मदद से छान लीजिए, तो कुछ इस तरह की बारीक सी आपकी कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। और बस उम्मीद है कि आप भी कुछ इसी तरह से अपनी पत्तियों को अपने गार्डन में यूज करना चाहेंगे, अपने पौधों के लिए एक बनाएंगे खरा सोना। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपने अपने घरों में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। और मेरे चैनल पे आने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।